वास्तु है क्या? हम जो वास्तु कर रहे हैं, कुछ लोग उसे पूजा पाठ में जोड़ते हैं, कुछ लोग मतलब तंत्र मत विद्या में जोड़ के चलते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। जो पांच तत्वों पर सारी सृष्टि बनी है, पांच तत्वों से छठा तत्व अभी तक नहीं है, तो उन्हें हमें बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी शरीर भी पांच तत्वों से मिला हुआ है, और जो सृष्टि बनी हुई है पांच तत्वों से मिली हुई। वो पांच तत्वों को देखने की आदत डालनी है आज के बाद से। आपको कुछ भी सामान खरीदना है, आपको सिर्फ ये देखना है, पांच तत्वों में देखना है, मुझे रखना कहाँ पे है, उसका यूज किया है, और हम उसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अब तो आपने कोई भी बाजार गए या कोई गिफ्ट मिला, आपने ठहरा रख लिया, जहां जगह मिली वहां रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज के बाद से आप हर चीज आप देखोगे, मुझे जरूरत कितनी है उसकी, मतलब बेजरूरत कभी नहीं खरीदोगे, और जरूरत के साथ साथ आप एक चीज चेक करोगे, वो है कहाँ रखना है। जब तक आपको ये नहीं पता उसे रखना कहाँ है, तो आप उसे मैनेज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि उसे कलर, शेप, रूप, रंग, उसकी एनर्जी, वो सब आपको इफेक्ट करती है। एनर्जी क्योंकि हर जगह किसी भी चीज को फ्लो करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी, वायु, एयर की, वायु की। यहां से माता का मेरी आवाज भी जा रही है, तो बिना वायु की आवाज नहीं जाएगी। और वो वायु आपको घर का जितना भी खाने का सामान है, कुछ भी आप यूज कर रहे हैं आज, तो उसका सब पर रूप रंग है। वो रूप रंग को आप किस तरह मैनेज करोगे, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है सब चीजों की दिशाओं के पहले बारे में जानकारी होना। क्योंकि आप क्या करोगे भाई, आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई मरीज आया, आपने देखा कि वो कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो आप क्या कहोगे, इसे कान में प्रॉब्लम है, जब भी तो सुनाई नहीं दे रहा। जब आपको ये नहीं पता सुनाई देने की प्रॉब्लम कहां से, तो आप कैसे मैनेज करोगे। वही प्रॉब्लम आपके यहाँ पे, एक एक प्रॉब्लम है, एक एक दिशा का है, वो दिशा को आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसके अंदर से बाहर निकालोगे, और जितनी भ्रांतियां सब निकाल देना। भूत प्रेत तंत्र मंत्र पूजा पाठ अच्छा है, पूजा पाठ कोई खराब चीज नहीं है, वो आपकी शुद्धि है मन की। क्योंकि जो आपका राइट माइंड है और लेफ्ट माइंड है, राइट माइंड को आपका लेफ्ट शरीर, जो लेफ्ट वाला शरीर है, ये राइट माइंड को जागृत करता है। अब जो लेफ्ट वाला माइंड है उसे राइट वाला माइंड जागृत, ये राइट वाला शरीर जागृत करता है। अब आपका राइट वाला शरीर, यहाँ पर हार्ट है नहीं, हार्ट लेफ्ट साइड है, तो हार्ट बिल्कुल एकदम 24 घंटे चलता है, साफ है, वो राइट माइंड जागृत करता है। तो आपको अपना राइट माइंड जागृत करना है। सारी सृष्टि में मुझे लगता है 2% 3% या मैक्सिमम अगर ऑल कर, मैं मान लूं 5% लोग तो सारी दुनिया पर राज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिव है, जागृत है, नहीं तो सारे डब्बे सिम बंद डब्बे में पड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो आपको अपने आप को एक्टिव करना है। वो एक्टिव कैसे करोगे, उसका एक ही तरीका, सब सिखाते हैं, तंत्र मंत्र सब सिखाते हैं कि आप अपने आप को जागृत, लेकिन जागृत कैसे करना है, उसका एक ही फॉर्मुलेशन है, अपनी सांसों को देखना है। क्योंकि सांसें ही आपका सब कुछ है, अगर सांसें ही आपकी नहीं चल रही है, तो ये शरीर एक मिनट में बेकार है। शोरूम में लोग इसे तैयार करने के चक्कर में लग रहते हैं, लेकिन ये क्या है, शोरूम में इसके अंदर जो सांसें हैं वो सामान रखा हुआ है, वो जितना अच्छा होगा उतना शोरूम ज्यादा अच्छी कीमत पर है। शोरूम की सेल वैल्यू कुछ नहीं, और जितना अच्छा शोरूम को मेंटेन करोगे उतना अच्छा सामान रखने की कोशिश करोगे। तो पहले अपना शरीर, जब भी आप कभी भी देखो, जितने आप नए कपड़े पहनते हो आपके अंदर एनर्जी अलग होती है, दिन आपके अंदर एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो उसी तरह आपकी सोच है, आप उसे एक्टिव कर लो, आप पॉजिटिव रूप में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। जो ऊपर नीचे लोग चलते रहते हैं, वो क्या है, वो सब यही चीज है। चार दिन से ऊपर हुए फिर नीचे आ गए, वो नहीं आना ऊपर नीचे, सबको एक्टिव में रहना है। एक्टिव के लिए आपको अपने आप को जागृत करना, रोज आना, एक घंटा आपको लगाना है ध्यान के लिए। ध्यान अगर कहो
तो मैं करवा देता हूँ आधे घंटे का, नहीं तो उसे आगे कर लेता, क्लास आगे कर लेता, क्योंकि वो ध्यान में जो मैंने पाया है 5 साल पहले 10 साल 8 साल पहले मैं भी ऐसी था, 2 और 2 5 ही होते थे मेरे, मैंने कह दिया 2 और 2 5 है तो 5 ही है, कितना कितना समझाते मेरे समझ में आता, क्योंकि वो आप रजस तमस और सतत 3 होते हैं, सतत रजस तमस, तो तमस जिंदगी में जी रहे थे, कम से कम रजस में तो आ जाओ। लोग आज क्या है वो तमस में ही जी रहे, वो रजस में भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने कह दिया ठीक है वो नहीं है, जो ठीक है वो ठीक है, 2 और 2 4 ही होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तो आपको 2 और 2 5 नहीं बनाने, 4 बनाने हैं, और 4 बनाने के लिए आपको अपने आप को जागृत करना है, कहीं गलती है आप फौरन कहोगे गलती, आपको एक्सपेक्ट मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि ये गलत हुआ है और वो सही, और आपके साथ गलत होना ही नहीं होगा, अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ गलत ही ना हो तो चीज को रास्ता ही बंद करोगे, तो उस साइड से सुबह आधा घंटा कम से कम आधा घंटा तो दो, 10 मिनट 15 मिनट अपनी सांसें देखो, आधा घंटा अपना ध्यान करो, मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ध्यान का मतलब है कहते ना कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ मेरे घर का ध्यान रख लेना 2 दिन, तो वो मेडिटेशन नहीं है, फोकस है उस जगह का, तो आपको वही फोकस अपने ऊपर करना है, जो लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं आज वो ऊपर है, नहीं तो सब यही घूम रहे। अगर प्रैक्टिकल जिंदगी देखो, आज हमारी जिंदगी कितनी है, 100 साल भी बहुत मुश्किल से, किसी ने 70-80 साल भी जी लिए तो कहता बहुत जी लिया जी, अब तो इनका समय आ रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दिनचर्या बिल्कुल निश्चित है जिनकी, वो मैंने ऐसे से लोग मिला हूँ, बाल भी सफेद, मुझे सफेद, भावे सफेद, हर मतलब अभी तक उनका चश्मा नहीं लगा, अब पूर्ण स्वस्थ है 100%, वो सिस्टम में चल रहे हैं और सिस्टम में ही वो कामयाब है। कहो तो 10 मिनट का मैं ध्यान करवा देता हूँ, छोटा सा करवा देता हूँ, तो आप उससे मतलब रोज करोगे, एक दिन में नहीं होता, आप ये मान लेना, कोई भी चीज अगर इतनी आसानी से मिल रही होती तो जो आज रिक्शा चला रहे हैं वो सब कामयाब टॉप पे होते, मेहनत से आप उसे पाओगे, जो मेहनत करी है उसे 100% मिला भी है, और वो रिजल्ट मिलेगा आपको। जो मैं ध्यान करवा रहा हूँ वही ध्यान करके मैं आज तक यहाँ पे पहुंचा हूँ, पहले मैं 4 घंटे करता था, इसमें भी लाज गलत है, आप ये मान लो मुझे एक बूंद भी रह कर है, एक बूंद भी रह कर आपका वो उस समय बाद आप पाओगे दक्षिण है, फिर 3 महीने 6 महीने बाद मतलब पॉजिटिविटी इतनी होगी कि अगर आपने कोई सा भी एप्लीकेशन कह रहे बहुत लाइट नहीं है आपके साथ, तो मतलब होगा नहीं हमारे लिए, क्या है दिमाग में चिट आ रहा है, होना ही नहीं है, दक्षिण की दिशा है हमारी चाहिए साउथ, उसको आपको चाहे वो लाइट हो बोल रहे हैं या प्योर है भी नहीं लाना, अगर आप दिन में सोच के चल रहे हो कि मुझे ये जो मेरा काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन पहुंचती है, और ये भी मैंने सुना है कि दिन में एक समय सरस्वती जीवा पे बैठती है, अब सरस्वती मुझे लगता है और एक्टिव हो जाए तो ज्यादा अच्छा, हमें उसे ही एक्टिव करना है, क्योंकि सृष्टि बनाने वाले कहते हैं ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से हुआ है बताते तो यही है, दिखाते भी यही है कि विष्णु जी के पेट में कमल का फूल उगा है, उस पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, अब तथ्य कितना सत्य है वो नहीं कहा जा सकता। आज हम वास्तु करने आए हैं, तो वास्तु पे बात करेंगे मुझे लगता है, और वास्तु के साथ साथ किस किस ने कितने कामयाबी कर पाई है वो आप सीखा, मतलब बंद कर लेते आंखें बंद कर लो, अपने सिर्फ पहले सांसें देखो, सिर्फ अपने आप को देखना है, आप ये समझ लेना अगर आप इसकी तरफ देख रहे हो इसकी तरफ देख रहे हो उसकी तरफ देख रहे हो तो मेरी एनर्जी मुझे नहीं मिलनी उसको मिल रही, अब वो डिस्टर्ब है, क्योंकि मुझे अपने आप को जागृत करना है, आपको अपने आप को देखना है और अपने आप को जागृत करना है, और जिस दिन अपने आप को आप जागृत कर लोगे आपको जो चीज चाहिए, जो चीज चाहिए वो अपने आप मिलनी शुरू हो जाएगी। मन 1 मिनट में आप 1 घंटा अगर ध्यान करोगे तो पहले दिन या 1 हफ्ता 15 दिन तो उसके लिए 5 मिनट आप उसे पकड़ पाओगे, लेकिन धीरे धीरे धीरे
आप उसे एक घंटे में 50 मिनट 45 मिनट यहाँ तक ले आओगे। और जब आप एक समय ऐसा आता है जब आप करते हो एक घंटे वहां बैठोगे तो आप अंत चेतना में चले जाओगे। अंत चेतना मतलब है ना जागे रहो ना सोए रहो, वहां आप अपनी डेस्टिनी अपने आप लिखोगे। आज जो हमें मिल रहा है वो कभी ना कभी हमने बोया था, लेकिन वो अनजाने में बोया था, हमें नहीं पता क्या मिलेगा। लेकिन आज जो हमें चाहिए वो तो हम कह ही सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। हम आज ये कह सकते हैं कि हमें ये चीज चाहिए तो हमें आज का बोना शुरू कर देते हैं, मिलेगा तो है, ये कंफर्म है। और जो लोग ये कहते हैं जी नहीं मिलता वो सब बेकार की बात है। अगर नहीं मिलता तो सड़क पे आप देखते हो कोई सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, कोई बसों में, एक बस में 100 लोग सफर कर रहे हैं, 60 लोग सफर कर रहे हैं, 5 लोग एक्सीडेंट में मरे, क्यों मरे, 45 भी तो थे उस बस में। तो रास्ता तो बनेगा, जो बोया वो मिलेगा 100%। अब हम वो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो वो डेस्टिनी लिखो अपने हाथ से, अब 100% मिलेगी। और जो लिखोगे आज वो 100% मिलेगी, मुझे मिल रही है इसलिए मिलता। जितना दिमाग के अंदर ताकत है सारी सोच लो। और लोग जितने भी सब है वो उनसे पूछो आपको चाहिए क्या, किसी को भी नहीं पता क्या चाहिए। कोई कहेगा मुझे तो जॉब लग जाए बस, कोई कहेगा मेरी गाड़ी आ जाए, कोई कहेगा मुझे मकान मिल जाए। ये अधूरी है, गाड़ी मिल जाए वो हल नहीं है। गाड़ी का तो वो बहुत सारे है, गाड़ी 1 लाख रुपए की भी, गाड़ी 1 करोड़ रुपए की भी, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको चाहिए क्या उस पर डिपेंड करता है। अब वो मैं आपको सिखाऊं, है ना, अपनी आंखें बंद करो, अपनी सांसें देखो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसे बोल लो, और उससे चाहो फोन में रिकॉर्ड कर लो, मेरे सारे जो भी मैं पढ़ूंगा कुछ भी कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, जो आपको सुविधा हो कर सकते हो, है ना। और वो 1 घंटा जरूर लगाओ, मतलब भगवान की कृपा ऐसी हो जाएगी कि आप अपने आप को, मतलब आज जहां पे खड़े हो उसे लिख लेना, और 1 साल बाद उसे लिख लेना, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। सबसे पहली पॉजिटिविटी क्या आएगी कि आप जो चाहते हो वो मिलेगा, पहला कुछ भी चीज है 100% मिलेगा, क्योंकि आप एक्टिव सिम हो जाओ। बॉक्स में पड़े हुए सिम नहीं होंगे, आप जो 7 अरब लोग के अंदर शामिल नहीं हो, जो 5% लोग हैं आप उसमें शामिल। हमें 5% के अंदर शामिल होना है, हमें उसमें 95% में रहना ही। 95% वो अपने सिस्टम में जी रहे हैं, वो जीते रहेंगे, क्योंकि आप सारी दुनिया में कालीन नहीं बिछा सकते लेकिन एक अच्छी चप्पल पहन सकते हैं। तो आप अपने आप को तरक्की कर ही सकते हो। अपने आप को देखो आंखें बंद करके, सिर्फ अपनी सांसें गिननी है, सांसों पे अपनी नाक का जो कोना है इस पर देखना है, आंखें आंख नाक कान जितने भी है सब एक जगह लगा दो, सब जागने कोना शुरू हो जाएगा आपको। मतलब एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लेकिन 1 महीने बाद ऐसा लगना शुरू हो जाएगा आपको, मतलब इसके बिना आप रह नहीं सकते। ये बहुत बड़ा नशा है, अरे इसमें मजा आएगा। हम भगवान सूर्य की तरह तेजस्वी पूर्ण स्वस्थ सुंदर शुद्ध और जागृत दिव्य
आत्मा है, हम भगवान सुंदर की तरह तेजस्वी पूर्ण स्वस्थ सुंदर शुद्ध और जागृत पुण्य आत्मा है। तथास्तु। पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के द्वारा दी गई सभी शुद्ध और जागृत दिव्य शक्तियाँ, सभी शुद्ध और जागृत दिव्य आत्माएं, सभी शुद्ध और जागृत पुण्य शक्तियाँ और सभी शुद्ध और जागृत पुण्य आत्माएं हमारे पांचों शरीरों में, हमारे शरीर के सातों चक्रों में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे परिवार के सभी सदस्यों में और हमारे पिंड में हमारी आत्मा जितने भी जन्म लेंगी उन सभी जन्मों में जागृत